दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चलती ट्रेन के खिड़की या दरवाजे से मोबाइल या कीमती सामान गिर जाए तो क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो ट्रेन में यात्रा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए जिससे ऐसी स्थिति ना आए। लेकिन फिर भी किसी कारणवश यदि किसी व्यक्ति का कोई कीमती सामान मोबाइल आदि चलती ट्रेन से गिर जाए तो सबसे पहले अगर रूट इलेक्ट्रिफाइड है तो रेलवे ट्रैक के किनारे लगे बिजली के खंभों पर लिखे किलोमीटर संख्या नोट कर लें, जैसा कि इस फोटो में दिखाई दे रहा है। और अगर रूट इलेक्ट्रिफाइड नहीं है तो ट्रैक के किनारे लगे सफेद कलर के पत्थर जिन पर किलोमीटर संख्या लिखी हुई होती है को नोट कर लें। और आने वाले अगले स्टेशन पर जीआरपी या स्टेशन मास्टर को अपने गिरे हुए सामान का विवरण और किलोमीटर पत्थर एवं इलेक्ट्रिक पोल पर लिखे हुए किलोमीटर संख्या बताकर अपना निवेदन करा दें। साथ ही अपना संपर्क नंबर और पता बता दें ताकि सामान मिलने पर वो आपसे संपर्क कर सके। दोस्तों रेलवे किसी भी प्रकार से आपके गिरे हुए सामान के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, सिर्फ रेलवे स्टाफ द्वारा आपके सामान की तलाश की जाएगी और मिलने पर आपको सूचित किया जाएगा। इसके अलावा अगर रात के समय यह घटना होती है तो आप दो स्टेशनों के बीच का विवरण बताकर अपना निवेदन जीआरपी एवं स्टेशन मास्टर को निवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।